रहीम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा नाम सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान छीना और आप देख रहे हैं आइडियल सोसाइटी टीवी तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कारोबारी नुकसान कारोबार में नुकसान क्यों होता है या कारोबार फलाप क्यों होता है तो इस हवाले में से सबसे पहले तो मैं एक मिसाल दूंगा और मिसाल देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें तो चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले ये मिसाल कि दो बंदे अगर एक कारोबार करते हैं और कारोबार भी सेम होता है तो एक बंदा कामयाब हो जाता है और दूसरा बंदा नाकाम होता है इन्वेस्ट भी बराबर कारोबार भी एक तो उसकी वजह क्या है तो इस इस हवाले से मैंने मुख्तलफ तहकीक़ की मुख्तलफ़ लोगों से इसकी रिसर्च की तो इसमें मालूम ये हुआ कि बाज़ात ये होता है कि ये भी करो मुख्तलिफ वजूहत में से एक वजह है कारोबार नकाम होने की कि बाद बाद उकात ये होता है कि बंदा जब कोई कारोबार स्टार्ट करता है तो एक बंदा जो महान महीने के मसलन पचास हज़ार रुपये उसने इन्वेस्ट किया और पचास हज़ार रुपये लगा के हर महीने एक वो दस हज़ार रुपये महाना कमा रहा है और दूसरा बंदा वही कारोबार कर रहा है और पाँच हज़ार रुपये महाना बचत कर रहा है अच्छा जब वो पाँच हज़ार रुपये वो वो पाँच हज़ार वाला कुछ दिनों बाद कामयाब हो जाता है और दूसरा जो दस हज़ार रुपये महाना कमा रहा है वो नाकाम हो जाता है इसकी एक वजह ये है कि जो बंदा पाँच हज़ार रुपये कम बचत करके कामयाब हो गया और दूसरा दस हज़ार कमा कर भी दस हज़ार बचत करके भी नाकाम हो गया तो इसकी वजह ये है कि जिस बंदे के ने पाँच हज़ार महाना कमाया उसके लिए ये था कि उसको घर घर की जो परेशानी नहीं थी घर के हवाले से उसके अखराज नहीं थे और उसने जो कमाया वो अपने बिज़नेस में ही लगाया मिसाल के तौर पे पहले जो पाँच हज़ार रुपये उसको बचत आई उसने अगले दफ़ा अगले महीने भी पाँच हज़ार इसमें ऐड कर दिए यानी कि पचास हज़ार से उसका पचपन और पचपन से साठ इस तरह वो आगे बढ़ता चला गया और दूसरा जो बंदा था जिसने पचास हज़ार रुपये लगाया उसका घर का जो ख़र्चा था या थे या उसके ऊपर उस जो ज़िम्मेदारियाँ थी या उसके जाती अखराजात थे वो दस हज़ार से ज़्यादा थे मसला बीस हज़ार रुपये थे तो बीस हज़ार में वो उसने क्या किया कि पचास हज़ार उसका पचास हज़ार से जो उन्होंने कारोबार शुरू किया उसमें से उसको जो दस हज़ार बचत आई और दस हज़ार घर का ख़र्चा ज़्यादा था बीस हज़ार ख़र्चा था तो उसमें से उसने पचास हज़ार रुपए में से दस हज़ार निकाल लिए और चालीस हज़ार बच गया इसलिए दो दो तीन महीने तक उसका जो इन्वेस्ट ख़त्म होगी और कारोबार फलाप हो गया तो लिहाजा जब भी कोई बंदा कारोबार करे जहाँ से भी उसको कारोबार आइडिया मिले कारोबार करने से पहले वो ये लाजमी देखे कि मैं जब कारोबार करूँगा अगर तीन चार पाँच महीने कारोबार नहीं चलता या थोड़ा चलता है या कम पैसे मिलते हैं तो उससे मैं अपने घर के अखराज कहाँ से निकालूँगा तो अगर आपके पास ये सोर्सेज हैं तो आप लाजमी काम करें वरना आप इसका कोई साइड बिजनेस या साइड अपना कोई काम करके तो फिर जाके कारोबार शुरू करें तो इन ताला कारोबार फलाप नहीं होगा तो अगली जो बात इन शाला अगली वीडियो हम बनाएंगे कि दूसरी वजह क्या होती है कारोबार में काम होने की तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़